नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। दोस्तों आज बात करेंगे दशा लग्न तकनीक के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने के लिए अलग अलग दिशाएं जो हैं प्रचलित में हैं, जैसे कि विषुवंतरी दशा है, चर दशा है, मंडूक दशा है, योगिनी दशा है। इसी तरह एक दशा है जिसे हम कहते हैं दशा लग्न। दशा लग्न तकनीक एक ऐसी दशा है कि जो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो दशा आपको एकदम से क्लियर पिक्चर दिखाती है। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जन्म से लेकर जीवन के अंत तक हम लोग अलग अलग दशाओं से गुजरते हैं। बर्थ हुआ उस समय कोई पर्टिकुलर दशा चल रही थी, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई तो मे भी किसी और ग्रह की दशा चल रही हो, फिर उसके पास हायर एजुकेशन, फिर आपका कैरियर, फिर आपकी शादी, फिर आपका चाइल्ड बर्थ, फिर जीवन के अंत तक कहने का मतलब जो संघर्ष चलता है, हम किसी ना किसी दशा से गुजरते हैं। कोई गुरु की दशा से गुजरता है, कोई शनि की दशा से गुजरता है। तो वो दशाएं कैसे हम जान सकते हैं कि अच्छी जाएंगी बुरी जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर। कुछ लोग इस दशा को, दशा तकनीक जो मैं कह रहा हूं, दशा लग्न तकनीक, वो सिर्फ अंतर दशा क्या रिजल्ट देगी, यानी कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसके नीचे जो अंतर दशा है, गुरु में बुध की चली तो बुध क्या रिजल्ट देगा, वो इस दशा का यूज करते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर महादशा से बुध किस भाव में चला गया, पांचवें भाव में चला गया, छह में चला गया, सात में चला गया, तो उस भाव से संबंधित अब जो है जातक को वो रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इसे सिर्फ अंतर दशा पर ही ना लगाइए, इसे आप महादशा पर लगाइए, चाहे वो 20 साल की महादशा हो, अंतर दशा पर लगाइए और पूरी कुंडली पर लगाइए, फिर देखिए कि रिजल्ट आपको किस तरह बिल्कुल सामने साफ साफ दिखाई देगा। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये एक चार्ट है मेरे पास, मिथुन लग्न का चार्ट है। इस दशा लग्न को लगाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी इवेंट देखना हो पहले उसे आप लग्न कुंडली से और फिर जो भी इवेंट आप देख रहे हैं उससे संबंधित जो डिविजनल चार्ट हैं, जैसे यदि शादी देखनी है तो जन्म कुंडली साथ में D9, क्योंकि ये शादी अच्छी तरह दिखाता है, अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। कैरियर देखना है जन्म कुंडली और D10। कहने का मतलब जो भी इवेंट देखना है, बच्चों के बारे में जानना है तो जन्म कुंडली और D7 वो देखिए। पहले आप उस इवेंट को जन्म चार्ट में अच्छी तरह जान लें, अच्छा जाएगा, घटना अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, उसके बाद आप इस टेक्निक को लगाएंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले। अब मान लो कई लोग हमारे पास आते हैं कि शादी में गड़बड़ चल रही है, डिवोर्स होगा नहीं होगा, हम कहते हैं कि डिवोर्स होगा, फिर उनका क्वेश्चन होता है नेक्स्ट दूसरी शादी है या नहीं है, हम कहते हैं कि है, फिर उनका तीसरा क्वेश्चन है शादी कैसी रहेगी दूसरी। अब देखिए कई लोगों की दूसरी शादी काफी अच्छी रहती है, नो डाउट आपस में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, फोर्थ मैरिज हो, नहीं अच्छी जाती, डिवोर्स एक हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा। अब इन चीजों को कैसे हम देख सकते हैं, क्योंकि तो ये जन्म चार्ट है। अब ये मिथुन लग्न का चार्ट है एक मोहतरमा का, ये मोहतरमा 10-11 के आसपास कंसल्ट किया कि मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहता हूं, शादी में गड़बड़ चल रही है, रहेगी या नहीं रहेगी, सीधा क्वेश्चन। अब चार्ट को देखा, सीधा पता चल रहा है कि इस चार्ट में डिवोर्स फाइनल है।
क्योंकि सेवंथ भाव का स्वामी गुरु सेवंथ भाव में अपने से बाधक भाव में चला गया, तो इस भाव के फल जो है नहीं मिलेंगे। सिक्स और इलेवंथ लॉर्ड का स्वामी मंगल भी साथ में है, सेवंथ भाव को देख रहा है। इस भाव का कारक शुक्र अपने से एट्थ भाव में चला गया और जन्म कुंडली के एट्थ भाव के स्वामी शनि के साथ विराजमान है। सेवंथ भाव का स्वामी कारक तीनों जन्म कुंडली में खराब है। डी नाइन में देखा सेवंथ भाव का स्वामी सूर्य राहु केतु अक्ष पर है, सिक्स भाव में चला गया जो कि सेवंथ से ट्वेल्थ भाव। कारक शुक्र सिक्स में एट में चला गया, सिक्स मतलब यानी कि कन्या राशि में, जो कि ये शुक्र की नीच राशि। गुरु महाराज सेकंड और इलेवंथ के लॉर्ड बने, इलेवंथ में बैठे हुए हैं और शनि जो कि लग्नेश उससे वो दृष्ट है। इसमें मल्टीपल शादी के योग दिखाई। जब उनको कहा गया कि इस शादी में डिवोर्स दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये मेरी दूसरी शादी है और मैं दूसरी शादी जानना चाहती हूं अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी या फिर डिवोर्स होगा। दशा इनको चल रही थी मोहतरमा को मरकरी की, मरकरी ने अंतर दशा थी जब क्वेश्चन पूछा शुक्र। मरकरी चलने वाला था अप्रैल 2023। अब हम क्या करेंगे, दशा लगन टेक्निक जो है उसका मतलब है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जिस राशि और जिस भाव में है आप उसको लगन में ले आइए, चार्ट को रोटेट कर दीजिए। मरकरी की दशा थी, मरकरी को रोटेट कर दिया, थर्ड भाव से रोटेट कर दिया। अब हमारे पास लगन बना, आप देखिए सिंह लगन बना। अब क्वेश्चन जो है उनका वो था शादी से रिलेटेड। अब आप देखिए सेवंथ भाव का स्वामी कौन बना, जन्म चार्ट में बुध बना, गुरु बना था सेवंथ भाव का स्वामी, लेकिन इस पर्टिकुलर दशा में जो बुध की दशा चली, अब इस सेवंथ भाव का स्वामी कौन बना, अब शादी को इस पर्टिकुलर दशा या सिंपल भाषा में कहें कि बुध की पूरी दशा में जो कि अप्रैल 2023 तक चलेगी, अब शादी को संभालने वाला प्लैनेट कौन है, अब है शनि महाराज। शनि कहां चलेगी, शनि ट्वेल्थ भाव में विराजमान है शुक्र के साथ, कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी सेवंथ हाउस में है, यानी सेवंथ और ट्वेल्थ हाउस आपस में दोनों का परिवर्तन हो चुका है। अब सिक्स एट ट्वेल्व आप जानते हैं कि ये बुरे भाव है, किसी भी भाव का स्वामी सिक्स में चला जाए, एट में चला जाए, ट्वेल्व में चला जाए, या अपने भाव से सिक्स में चला जाए, एट में चला जाए या ट्वेल्व में चला जाए, तो उस भाव से संबंधित फल हमें नहीं मिलते। शनि महाराज ट्वेल्थ भाव में चले गए और अपने भाव से सिक्स भाव में चले गए, ट्वेल्थ भाव के साथ परिवर्तन में भी बैठे हुए हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर दशा में भी जो है डिवोर्स हमें दिखाई देता है। इनको सजेशन दिया गया कि आप, क्योंकि 2010-11 के आसपास इन्होंने पूछा, उस समय एज भी कुछ ज्यादा नहीं थी, कि आप डिवोर्स लेकर कोई और शादी कर लें अच्छा चार्ट देखकर, लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि दिखाई दे रहा कि यदि इन्होंने डिवोर्स नहीं लिया, डिवोर्स होगा और फिर आगे चलकर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एज बड़ी हो जाएगी। तो देखिए शनि महाराज जब चार्ट को रोटेट किया, जब इन्होंने पूछा बुध की महादशा चल रही, तो शनि महाराज ट्वेल्थ भाव में थे और यहां से चलते 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 जब शनि महाराज सिक्स भाव में आए, अपनी मकर राशि में आए, बुध की महादशा थी और उस समय जब शनि यहां आए तो इनको अंतर दशा भी शनि की चल रही थी, 2020 से लेकर अप्रैल 2023 तक इस शनि महाराज ने डिवोर्स करवा दिया दूसरा। अब यह है दशा लग्न तकनीक। अब इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, उसे हम कहते हैं दशा प्रवेश पद्धति। अब यदि आप देखें ध्यान दें कि यह दशा जो थी स्टार्ट हुई 17 अप्रैल 2006 को, ये भाई साहब जो हैं बुद्ध महाराज ये कुंडली के लग्नेश भी थे, तो हमने क्या किया जब इनकी दशा शुरू हुई कि ये अपनी दशा में क्या क्या गुल खिला सकते हैं उसको देखेंगे।
2006 गोचर लगाया, यानी कि उस समय जब यह दशा स्टार्ट हुई, ये बुध महाराज कहाँ थे? ये बुध महाराज कुरु की मीन राशि में थे। अब पूरी दशा जो चलने वाली है बुध की, अब वो गुरु के मुताबिक ही चलेगी। कुंडली में गुरु जो जो जिन जिन भावों को बताएगा, सिग्निफिकेटर बनेगा, बुध अपना रिजल्ट वैसा ही देने वाला है। अब गुरु को देखेंगे, गुरु जन्म चार्ट में लग्न में विराजमान है, 7 डिग्री का है, यानी कि ये राहु के नक्षत्र पर है, राहु फोर्थ भाव में है, शनि से तीसरा एस्पेक्ट उसका शनि का आ रहा है, फोर्थ एस्पेक्ट मंगल का आ रहा है, गुरु खुद 7th और 10th का स्वामी है, मंगल 6th भाव का स्वामी है, शनि 8th भाव का स्वामी है, और भाव चलित में गुरु और मंगल 12th भाव में विराजमान, यानी कि 6, 8, 10 एंड 12 भाव। और ये सारे भाव जो हैं शादीशुदा लाइफ के लिए अच्छे भाव नहीं है। और ऊपर से जब चार्ट को रोटेट किया, तो जैसे हमने कहा कि जो 7th भाव का स्वामी था वो शनि बना, और शनि यहाँ पर अच्छी स्थिति में विराजमान नहीं है, और ये दशा जिसकी स्टार्ट हुई वो और 7th भाव का स्वामी शनि, ये बता रहे हैं कि शादीशुदा जिंदगी जो है अच्छी नहीं चलेगी, और इस पर्टिकुलर दशा में डिवोर्स हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि 2021 में इनका डिवोर्स हुआ जब शनि 6th भाव में गोचर कर रहा था। अब देखिए, अब इनको दशा स्टार्ट हुई अप्रैल 2023 से केतु। अब केतु को आप लग्न में ले आइए, केतु को लग्न में लाए, केतु मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, तो पहले केतु को पकड़ेंगे। केतु क्या क्या गुल खिला सकता है? जन्म चार्ट में केतु 10th भाव में है और गुरु 7th भाव का भी स्वामी बनता है, रिजल्ट जो हमारा जन्म चार्ट है उस हिसाब से भी हमें मिलेगा, लेकिन जिस इवेंट को आप जानना चाहते हैं वो दशा लग्न टेक्निक से आपको क्लियर में मिल जाएगा। तो केतु जन्म चार्ट में बता रहा है क्योंकि तो वो गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र पर है, बुध कुंडली का लग्नेश है, 10th भाव में भी बैठा हुआ है। 10th भाव आपका प्रोफेशन का भाव है, 7th भाव व्यापार का भाव है, 7th भाव शादी का भाव है, और इसके अलावा बुध आपका लग्नेश। तो इन सब जो भाव है उनसे संबंधित रिजल्ट जो है वो तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे केतु की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, ये दशा कैसी जाएगी, क्योंकि अच्छा घर वाले तीसरी शादी के लिए तैयार है। सॉरी मैं तेरी आ गई। अब देखिए, 7th भाव का स्वामी बना बुध, ठीक, बुध महाराज 6th भाव में है जो कि वक्री भी है, अस्त भी है, और दूसरा ये पाप कर्त्री में भी, और 7th भाव में राहु महाराज विराजमान हो चुके हैं, यानी कि ये केतु की दशा जो है शादी से संबंधित अच्छी दशा नहीं है। इस दशा में भी यदि ये शादी करती हैं तो डिवोर्स फाइनल है, ये इनको बता दिया गया कि 28-29 के आसपास ये तीसरी शादी भी जो है चलने वाली नहीं है, डिवोर्स हो सकता है। क्यों मैंने 28-29 के आसपास कहा, ये देखिए, अब इस भाव की जिम्मेवारी इस बुध के पास है, ये अच्छे से नभाए या ना नभाए, ये जब इसकी अंतरदशा आएगी ये तब अपना फल देगा। बुध की अंतरदशा आने वाली है 29 से 30 साल, 2030 के बीच, यानी कि इस समय पीरियड के दौरान इनका डिवोर्स फाइनल जो है हो जाएगा यदि ये तीसरी शादी करते हैं। अब मान लो करें ना करें, हमें दशा लग्न टेक्निक सीखनी है। हम अब देखें कि मान लो हमें शुक्र की दशा देखनी है, शादी से संबंधित ही देखनी है, मान लो तो शुक्र कहाँ है? शुक्र ये रहा शनि के साथ। अब हम इसको लग्न में ले आएंगे। अब 7th हाउस की जिम्मेवारी किसके पास है? शनि के पास है। शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, शनि 7th हाउस को देख भी रहा है, तो क्या अब शादी अच्छी जाएगी? मान लो केतु के पीरियड में ऐसा ही चल रहा है, या केतु के पीरियड में शादी नहीं की,
आगे जाकर करते हैं या चौथी शादी करते हैं, तो क्या वो अच्छी रहेगी? नहीं, वो भी नहीं अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी चंद्रमा 8th भाव में है, शनि की राशि में, शनि लग्न में, दोनों का, इस शनि का जो 7th भाव का स्वामी है, इसका 8th भाव से प्रवर्तन हो चुका है। और शनि पाप कर्त्री में भी है, शनि और शुक्र, पीछे मंगल है, आगे सूर्य है। अब दशा लग्न टेक्निक से यदि आप चीज नोटिस आपने की होगी, अब देखिए इनका जन्म जब से शुरू हुआ, इनको गुरु की दशा चल रही थी 1987। दूसरी शादी इनकी मरकरी में हुई, पहली शादी इनकी शनि की दशा में हुई। अब शनि को हम यदि देखें, ये रहा शनि, इसको हम लग्न बनाए तो 7th भाव में शनि की राशि आती है, ठीक। और शनि हमने बात कर ही चुके हैं कि शनि का संबंध 8th भाव से बन रहा है, क्योंकि इसका राशि परिवर्तन है इससे। शनि की दशा चली इनको 2006 तक, उसके बाद दशा हुई बुध की शुरू, बुध सिंह राशि, इसको लग्न बनाया, 7th भाव का स्वामी कौन बने? फिर शनि बना। जन्म से लेकर सिर्फ 1987 तक गुरु की दशा थी, उस समय उम्र छोटी, लेकिन शनि की दशा जब उम्र संभली, शादी हुई पहली, उसके बाद दूसरी, तो 7th भाव की जिम्मेवारी जो थी वो शनि के ही पास थी, ये डिपार्टमेंट। अब सिर्फ एक केतु की दशा आई है जो कि चलेगी 7 साल के लिए, 6 साल के लिए। अब 7th भाव की जिम्मेवारी, वो अलग बात है कि वो भी डिवोर्स दिखा रहा है, बुध के पास आ चुकी। उसके बाद शुक्र की दशा चले, यहां पर भी 20 साल की दशा है, 2050 तक शादी के बाद की जिम्मेवारी शनि के पास है। कहने का मेरा मतलब, अब यदि हम मिथुन लग्न सोचें, सभी लोग जो पोंगा पंडित हैं तो यही कहते हैं कि मिथुन लग्न के लिए, चाहे प्रोफेशन देखना हो, शादी देखना हो, चाइल्ड बर्थ देखना हो, फॉरेन सेटलमेंट कुछ भी करना हो, तो पोंगा पंडित कहेंगे भाग्य का रत्न जो है नीलम वो पहन लो। और यदि हम शादी की बात करें, इस चार्ट में शादी की जो वाट लगा रखी है वो इसी शनि महाराज ने लगा रखी है। ये भाव जो है ये सिर्फ धर्म का भाव है, धर्म का, इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म का भाव है। उल्टा ये प्रोफेशन को भी खराब कर रहा है यदि इसको आप एक्टिवेट करेंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये 10th भाव से 12th भाव है। और पर्टिकुलर एक शादी का इवेंट देखा, पूरी लाइफ इनकी 7th भाव का जो स्वामी है वो शनि बना, उसी के पास ये डिपार्टमेंट था और वो खराब था। कर्क लग्न चला, फिर इनको सिंह लग्न चला, फिर इनको ये मीन लग्न चला 6 साल के लिए, अब दोबारा मीन के बाद इनको 20 साल के लिए फिर से कर्क लग्न चल पड़ेगा। और कहने का मेरा मतलब यह है कि दशा लग्न टेक्निक खाली सिर्फ आप अंतर दशा पर ना लगाइए कि हाँ भाई मान लो अब अंतर दशा पे लगाता हूं मैं, इनको यह बताया गया जब केतु की दशा के बाद, अंतर दशा के बाद शुक्र की दशा इनको शुरू होने वाली। अब केतु की दशा, केतु को लग्न में ले आइए, अब शुक्र कहाँ चला गया? शुक्र 5वें भाव में है। दशा लग्न टेक्निक सिर्फ अंतर दशा पर लगाते हैं, मैं कहता हूं इसको पूरी कुंडली पर लगाइए, इसको दशा पर लगाइए, इसको अंतर दशा पे तो आप लगाते ही लगाते। अंतर दशा लगन टेक्निक जो अंतर दशा पर लगती है वो इस तरीके से लगती है कि भाई जो दशा स्वामी, जिस ग्रह की दशा स्टार्ट हुई उससे अंतर दशा स्वामी देखिए वो कहाँ है, वो इवेंट लाइफ में उस पर्टिकुलर समय में होगा ही होगा। यानी कि केतु में जब शुक्र शुरू हुआ 17 सितंबर 2023 से, पिछले महीने, पिछले साल, और ये चलने वाला है नवंबर 2024 तक। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव लव का है, प्यार का है, अट्रैक्शन का है, स्टॉक मार्केट का है, संतान का है, पूर्व पुण्य का है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव है, टीचिंग का ये भाव है, ये आपकी हॉबीज का भाव है। तो ये जितनी भी चीजें हैं 5th भाव के अंडर आती, अब इस पार्टिकुलर अंतर दशा में वो सारी उभर कर आएंगी। और इनको बताया गया कि लाइफ में कोई एक बंदा आने वाला है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि आया भी है, लेकिन इनको साथ में वार्न किया गया
ये शुक्र जो है यहां पर एर्थ भाव का स्वामी बनता है, सीक्रेट एक्टिविटी का भी भाव है और ये बदनामी का भी भाव है, ये लॉस का भी भाव है। और दूसरी बात, शनि के साथ बैठा हुआ और शुक्र शनि के नक्षत्र पर हो, जो कि 12th भाव का भी स्वामी है, 11th भाव का भी स्वामी है। 5, 8, 11 सीक्रेट रिलेशनशिप, 5, 8, 12 जो है फनास के लिए अच्छा नहीं है, लॉसिस का भाव। 5, 8, 12 चीटिंग का भाव है, चीटिंग आपकी भावनाओं से भी हो सकती है, चीटिंग पैसे के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं। ये चीजें इनके साथ इस पीरियड में होंगी ही होंगी और उसका खमियाजा नेक्स्ट आने वाली दशा में इनको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये अंतरदशा खत्म होने वाली है नवंबर में, उसके बाद सूर्य महाराज आएंगे 6th भाव में बैठे हुए। अब बताइए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा भाव नहीं है, शादी के लिए अच्छा भाव नहीं है, संतान की हेल्थ के लिए अच्छा भाव नहीं है। उसके बाद मून 12th भाव में विराजमान है, उसके बाद मंगल जो कि 4th भाव में बैठा हुआ और उसका एस्पेक्ट 7th भाव पर आ रहा है। मंगल के बाद राहु महाराज ये बैठे हुए हैं और वो बुध की राशि में, बुध 6th भाव में वक्री है और अस्त है। उसके बाद गुरु महाराज आ जाएंगे, ये रहे गुरु महाराज, ये महाराज गुरु राहु के नक्षत्र पर है, ये रहा राहु। उसके बाद आ जाएगा शनि महाराज, शनि 5th में है, 12th भाव के स्वामी है। दोबारा से जो समय, ये समय चला, इस समय में भी 28 और 29 के बीच दोबारा से इनके साथ जो है चीटिंग होने के चांसेस, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के चांसेस, वो सब दोबारा फिर बनेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में। और उसके बाद बुध की दशा, अंतरदशा, बुध 6th में है केतु से, यदि शादी हुई तो डिवोर्स फाइनल है। मेरा कहने का मतलब, दशा लगन जो टेक्निक है, सिर्फ अंतर दशा देखने के लिए मत लगाइए उसको, आप दशा पे लगाइए उसको, आप पूरी कुंडली पर लगाइए और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा दशा लगन टेक्निक के ऊपर। यदि ये दशा, ये चर्चा जो है आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।